हैप्पी होली टू ऑल माय व्यूअर्स फ्रेंड्स। आज है होली का दिन, तो हमारे यहाँ पे हरियाणा में इसको फाग बोलते हैं। होली कल थी, आज फाग है। और ये देखो बच्चे लेके आए हुए हैं कैप तो बस अब ये कैप है पहन के, कलर वलर लगा के, और खूब एंजॉय करने वाले हैं सभी। तो फ्रेंड्स रात के 11 बजे हैं और ये देखो मैं होली की तैयारियों में लगी हुई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं सुबह ये सब बनाऊँगी तो इनको फूलने के लिए भी टाइम चाहिए। और आज जैसा आप लोगों को पता है कि गेस्ट भी आ गए थे और मैं अपने घर भी गई थी, तो आज टाइम ही नहीं लग पाया कि मैं दही भल्ले की तैयारी कर पाऊँ। तो अब बच्चे सो गए हैं तो मैंने सोचा अभी तैयारी कर देती हूँ, तो भल्ले बना के रख दूँगी। और ये देखो ये अर्जुन की फेवरेट मैं बना रही हूँ डोसा उसके लिए कल, तो उसका बैटर बना के तैयार कर दिया है, बस रात को वो तैयार हो जाएगा। अब मैं भूल गई थी कि इसके अंदर पानी नहीं डालते फ्रेंड्स, ये देखो आप जल्दबाजी में काम करने का नतीजा। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको ग्राइंड कर दिया तो पतला बन गया। कोई बात नहीं, अब सुबह नाश्ते में इसके चिल्ले मिलेंगे सभी को, उठते ही अपना प्रोटीन वाला नाश्ता करेंगे, फिर पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स ये दही भल्ले फूलने शुरू हो गए हैं, यही कारण है कि मैंने इनको रात को ही बना के रखा है कि अब पूरी रात जब ये मैं पानी में भिगो के रखूँगी तो सुबह तक इतने फ्लफी बनेंगे कि सभी को खाने में बड़ा ही मज़ा आएगा। फ्रेंड्स मेरी आदत है कि अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, ये नहीं है कि जस्ट सिर्फ बना देना है, नहीं, जब तक मुझे दूसरों की तारीफ़ सुनाई नहीं मिलती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं हर चीज़ परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट दही भल्ले बन रहे हैं, सुबह मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेंगे ये। ये क्या कर रहे हो, इसमें पानी भरते हैं? इसमें नहीं, हम आप भी भर सकते हैं, देखो कुछ नहीं भरा जा रहा, इसमें को देखो। ओ ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बैलून, पर फट जाएंगे ये क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। देख पानी पानी को सहन कर पाएंगे ये, तेरी फूंक को नहीं। दिखा तू अपनी फूंक दिखा। वंशु हो गए तेरे गुब्बारे कितने हैं? और इतने सारे ऐसे बनते हैं इसको गजब। ये देखो फ्रेंड्स हम छोटे छोटे थे जब वो टैप को लगा के खड़े रहते थे और अब ये देखो नई नई टेक्निक आ गई है किस तरह से गुब्बारे भरे जा रहे हैं। ओ ये अपने आप गिनते हैं, एक ये देखो लास्ट के 3 बचे हुए हैं, कैसे भर के गिरेगा देखना। ओ बिल्कुल जैसे पेड़ पे से आम पक चुके हैं, ये जब सफिशिएंट भर जाते हैं तो फ्रेंड्स देखो गांठ भी लग जाती है, साथ में गांठ भी लगाने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी टेक्निक है भाई ये तो। बहुत जल्दी इतने गुब्बारे भरने में हमें तो 1 घंटा लग जाता, हम तो लगे रहते थे उस टाइम पे। लास्ट एंड फाइनल, ज्यादा ही पानी ले लिया इसने, ये देखो कैसी ये नहीं हुआ। ये इसके अंदर से पानी आ रहा था और ये भर गई है वंशु अर्जुन की बाल्टियां। अभी से पहले इतना गीला हो जाएगा बेटा तू, तो फिर बीमार होना है, हैं? पेपर नहीं देने तेरे को? नहीं, मजा नहीं आएगा, उसी क्लास में रह जाएगा। बोल दूंगा मैं, मुझे बुखार था, भी ले लो। हाँ अभी ले लो, तेरे लिए अलग से थोड़ी ना लेगा कोई एग्जाम। बेटा बोला था 1 घंटा सब खेल लेंगे, उस टाइम खेलना था, ऐसे गीले होने का क्या फायदा? ये उठाया जा रहा है, करवा दो। क्या नहीं उठाया जा रहा? ये देखो, और ये तो मेरे से भी नहीं उठाया जाए, और ये देखो पूरी जैसे तो उसमें जा रही है ये फौज में। मत उठा बेटा, पेट में दर्द हो जाएगा, मैं पापा को बुलाती हूँ। मेरे को नहीं लगाना पापा प्लीज।
या बाल्टी उस साइड रख दो इनकी। क्यों क्या बाल्टी उस साइड रख दो, ये बार बार ऊपर नीचे आने में गिरेगा। यो लड़का अर्जुन मार नहीं पाता, तू सारे खराब कर रहा है। बेटा ये बाल्टी प्लीज रख लो, उधर तेरे इतनी चोट लगेगी। देखो मेरे ऊपर ही लगना चाहिए, मैंने फोटो खींचा। क्या बाल्टी मारने को मैं क्या लगा रही हूँ? ये पच्चीस ना कर डालूँगा, आगे इसको डालूँगा। थोड़ा दूर तो मारो, चोट तो लगती है। मुझे क्यों नहीं मारना, मारो उसके। नहीं, फोटो क्यों, फोटो क्यों? अच्छा फिर पापा क्यों भिगोए थे? तो पापा को थोड़ी फोटो खिंचवाने, क्यों नहीं खिंचवाने पापा को फोटो? पापा मुझे तो मारो, मार के खत्म। ये सारे खत्म कर दोगे भाई तुम तो ऐसे? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।